हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्निकल फिक्स चैनल, हाउ टू इंस्टॉल पैरट ओएस इन लैपटॉप और पीसी। आज की वीडियो में हम पैरट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने का तरीका सीखेंगे। ये एक बेस्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आप अपने लैपटॉप या पीसी में बहुत इजीली इंस्टॉल करके इसे यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें दो चीजें जरूरत पड़ती हैं, एक है मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव और सेकंड है पैरट ओएस की आईएसओ फाइल। तो पहले हम पैरट ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड करने का तरीका देख लेते हैं। तो आपने क्या करना है कि कोई भी एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मैं क्रोम ब्राउजर ओपन करता हूँ, और वहां पर आपने पैरट ओएस सर्च करना है और पैरट ओएस की ऑफिशियल वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपने डाउनलोड पैरट ओएस के बटन पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन होगा। इसके बाद आपने इस पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करना है। सिक्योरिटी ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने इस बटन पर क्लिक करके पैरट ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो पैरट ओएस की आईएसओ फाइल का जो डाउनलोड ऑप्शन है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 5.24 GB का साइज है पैरट ओएस को। तो आपने इस तरह से पैरट ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर आपके तकरीबन 5 टू 10 मिनट लग सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके पास इंटरनेट की स्पीड कितनी है। तो मैंने इस तरह से पैरट ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड किया है। तो पहले आपने पैरट ओएस की आईएसओ फाइल को डाउनलोड कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास ये ऑलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। तो इस तरह से आपने पैरट ओएस की आईएसओ फाइल को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पैरट ओएस की आईएसओ फाइल जो है वो मेरे पास डाउनलोड हो चुकी है। अब हमने बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनानी है, तो इसके लिए हमें एक छोटे से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। आपने उसे इंस्टॉल करना है, 1 MB का छोटा सॉफ्टवेयर है। जैसे कि आपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है, वहां पर रूफस सर्च करना है। रूफस की वेबसाइट को आपने यहाँ से ओपन करना है। स्क्रोल डाउन करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 MB की छोटी सी फाइल है जिसे आपने डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ से आपने इसे ओपन कर लेना है। ओपन करेंगे तो ये रूफस जो होगा वो आपके सामने इस तरह से ओपन होगा। अब आपने क्या करना है कि अपने लैपटॉप या पीसी में मिनिमम 8 GB की जो पेन ड्राइव है वो इंसर्ट करनी है। आपने यहाँ पर अपने कंप्यूटर में 8 GB की या इससे ज़्यादा जो भी पेन ड्राइव है वो आपने यहाँ पर इंसर्ट करनी है। अगर इसमें कोई डेटा वगैरह है, कोई फाइल्स हैं, तो आपने निकाल लेनी है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी जो USB ड्राइव है इसे फॉर्मेट करना है। इस तरह से आपने इसे फॉर्मेट कर लेना है। कोई डेटा वगैरह है तो वो आप पहले ही निकाल लें। इसके बाद आपने यहाँ पर आना है, तो यहाँ देख सकते हैं मुझे यहाँ पर पेन ड्राइव नज़र आ चुकी है। इसके बाद आपने यहाँ से पैरट की जो आईएसओ फाइल डाउनलोड की थी वो आपने इस तरह से सेलेक्ट करनी है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर बाकी कोई भी सेटिंग नहीं करनी। अगर लेबल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट बटन पर क्लिक करके ओके करना है। यस बटन पर क्लिक करके ओके पर क्लिक करेंगे तो आपकी बूटेबल पेन ड्राइव जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर भी आपने थोड़ा सा वेट करना है, तकरीबन 5 to 10 मिनट तक आपने वेट करना है, तो आपकी जो पेन ड्राइव होगी वो बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास जो पेन ड्राइव थी वो बूटेबल पेन ड्राइव में कन्वर्ट हो चुकी है। अब आपने यहाँ से इस विंडो को भी क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद अब आपने अपना लैपटॉप या पीसी जो भी यूज करते हैं उससे आपने यहां से रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपके सामने बूट ऑप्शन सामने आ जाएगा, F12 प्रेस करें। इसके बाद यहां पर आपने इंटर बटन प्रेस करना है, इंस्टॉल बटन पर ऑप्शन सेलेक्ट करके। इसके बाद यहां पर आपके सामने पैरट ओएस जो होगा वो इंस्टॉलेशन के लिए रेडी हो जाएगा। इस तरह से आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, तो आपने यहां से इंस्टॉल बटन पर डबल क्लिक करना है। तो इस तरह से आपके सामने इंस्टॉलेशन विंडो ओपन होगी। आपने यहां से लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, इसके बाद जो भी लोकेशन है आपकी आपने वो लोकेशन सेलेक्ट कर लेनी है। लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपने कीबोर्ड सेलेक्ट करना है, कीबोर्ड लैंग्वेज, कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहां पर इरेज का ऑप्शन आएगा। अगर आपने क्लीन इंस्टॉलेशन करनी है तो आपने फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। मैं यहां पर क्लीन इंस्टॉलेशन करना चाहता हूं, तो इसलिए मैं यहां पर फर्स्ट ऑप्शन को ही सिलेक्ट करूंगा। इसके बाद आपने यहां से नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यूजर ऑप्शन आ जाएगा, यहां पर आपने अपना नेम टाइप करना है। जैसे कि मैं यहां पर अपने चैनल का नेम टाइप करता हूं, आपने यहां पर यूजर नेम वगैरह टाइप करना है। इसके बाद आपने नीचे इसका जो लॉगिन पासवर्ड है वो क्रिएट करना है। दोनों जगहों पर सेम पासवर्ड टाइप करना है और इसके बाद आपने यहां पर नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद यहां पर समरी आपके सामने आ जाएगी, जो भी सेटिंग आपने की है। और इसके बाद आपने यहां से इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो पैरट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर भी आपने थोड़ा वेट करना है, तकरीबन 10 टू 15 मिनट आपकी आपके यहाँ पर लग सकते हैं इसकी इंस्टॉलेशन में, आपके तकरीबन 10 टू 15 मिनट लग सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपके हार्डवेयर कौन सा है, मतलब कंप्यूटर में मतलब टाइम लग सकता है, हो सकता है कि आपके पास मिनिमम 10 मिनट लग सकते हैं या 15 मिनट लग सकते हैं। और इसके बाद जब ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा तो अब आपने यहाँ से रीस्टार्ट करना है। डन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो कंप्यूटर होगा वो यहाँ पर रीस्टार्ट होगा। रीस्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आपने इंटर बटन प्रेस करना है, इसके बाद लॉगिन स्क्रीन आ जाएगी, आपने जो पासवर्ड किया था वो पासवर्ड टाइप करके लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैरेट ओएस इंस्टॉल होने के बाद हमारे सामने इस तरह से ओपन हो चुका है। अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं, अब आप इसे यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये अब कंप्लीट इंस्टॉल हो चुका है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो फायरफॉक्स एक डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है वो यहाँ पर आपको दिया गया है। टर्मिनल को आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। इसके बाद एप्लीकेशन में आपको यहाँ पर तमाम ऐप नजर आ जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल ऑफिस मिल जाता है लिब्रा ऑफिस, जो कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक बेस्ट अल्टरनेटिव है। आप इसे पर यूज कर सकते हैं, इसको अपडेट करके यहाँ पर आप इसका लेटेस्ट वर्जन का जो है वो यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐप्स दी गई हैं, वैसे आपको पता है कि इसे किस तरह यूज करना है, जो लोग इंस्टॉल करते हैं उन्हें पता है कि इसे किस तरह से यूज करना है। ये लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, आपको यहाँ पर इसकी तमाम सेटिंग वगैरह भी मिल जाएगी। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली अपने लैपटॉप या पीसी में पैरेट ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत ईजिली इंस्टॉल कर सकते हैं। इस तमाम इंस्टॉलेशन में आपके तकरीबन 30 मिनट से 40 मिनट लग जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।